मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी, दो युवतियों के साथ छेड़खानी। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। नागपुर में फ्लैट बेचने के नाम पर बिल्डर ने एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की। हुडकेश्वर पुलिस ने महालक्ष्मी नगर मानेवाड़ा रोड निवासी महेश वसंतराव कुल्लर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों में संदीप सुरेश राव वाघमारे और सुयेश वाघमारे का समावेश है। आरोपियों ने दिघोरी के सर्वेश्वर नगर इलाके में एक फ्लैट स्कीम शुरू की। महेश ने जून 2018 में इमारत में फ्लैट खरीदने के लिए आरोपियों से संपर्क किया। 25 लाख रुपए में फ्लैट बेचने का करारनामा किया गया। आरोपियों ने महेश से 20 लाख रुपए ले लिए, लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्हें पोजीशन नहीं दिया। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी। दूसरी खबर, नागपुर के हुडकेश्वर थाना क्षेत्र में दो युवतियों के साथ छेड़खानी की घटना सामने आई। 18 वर्षीय पीड़िता शनिवार को घर में अकेली होने पर आरोपी भावेश पिछले दरवाजे से घर में घुसा और युवती के साथ छेड़खानी की। युवती ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। दूसरी घटना में पुलिस ने 21 वर्षीय पीड़िता की शिकायत पर ऋषभ चंद्रकांत सरोदे के खिलाफ मामला दर्ज किया। पीड़ित युवती और ऋषभ के बीच अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते थे, फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन कुछ महीनों से ऋषभ उसे परेशान करने लगा। इस वजह से युवती ने ऋषभ से बातचीत बंद कर दी। ऋषभ ने युवती का पीछा करना शुरू कर दिया, उसके साथ छेड़खानी भी की। उस समय तो युवती ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन ऋषभ की हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार।